स्वागत है दोस्तों आज के इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में। दोस्तों अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? हम शर्माते बहुत हैं, बहुत लजाते हैं, शायद गलती हो जाए, लोग हंसेंगे। छोड़िए इन बातों को, जिंदगी भर शर्माने से अच्छा है कि अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखें और शान से सर उठा के लोगों से बोलें, आई नो हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, क्योंकि इससे आगे लगातार वीडियोस आते रहेंगे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल बटन को दबाया हुआ है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले पार्ट वन यानी कि इससे जो पीछे वाला वीडियो था, यदि आपने उसको देखा है तो वहां से ये एक सवाल है। और सवाल ये है कि पिछले वाले वीडियो में हिंदी में आपसे मिलकर अच्छा लगा, इसका अंग्रेजी क्या होता है ये मैंने बताया था। तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइए कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये अगर आपको किसी को कहना हो तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे। ठीक है, और अब शुरू करते हैं आज की इंग्लिश स्पीकिंग कक्षा। चलिए आज हम लोग प्रायः छोटे छोटे उन वाक्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो प्रायः घर में हम लोग बात करते हैं, जैसे मां अपने बच्चे से बात करती है, पिताजी अपने बच्चे से बात करते हैं, या बड़ा भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों के साथ करता है। तो करना वही है, दो दो का पेयर आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? जैसे यदि आपको हिंदी में कहना हो यहां आओ, तो हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कम हियर, कम हियर। जैसे यदि आपका कोई छोटा भाई है, वो दूर खड़ा है और आप उससे ये कहना चाहते हैं कि आप यहां आओ, तो क्या कहेंगे? कम हियर। वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई छोटा भाई आपका है, छोटी बहन आपकी, आपके पास है और आप चाहते हैं कि वो आपसे दूर जाए, तो आप कहते हो वहां जाओ। तो वहां जाओ को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गो देयर, गो देयर। वहां जाओ मतलब गो देयर, यहां आओ का मतलब कम हियर, और वहां जाओ माने गो देयर। तो ये हमने सीख लिया यहां और वहां जाओ का अंग्रेजी क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब बैठ जाओ, मान लीजिए कि आपका भाई है, आपका दोस्त है और वो खड़ा है और आप उससे कहना चाहते हैं बैठ जाओ, तो हम क्या कहेंगे? सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। और अगर कोई व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो उठ जाए, तो आप क्या कह रहे हो? उठ जाओ। तो उठ जाओ को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गेट अप, गेट अप, गेट अप। बैठ जाओ को सिट डाउन। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये कहें उठ जाओ, तो आप क्या कहेंगे? गेट अप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। अब यहां पर मैं हिंदी में यदि आपको ये कहना हो ये लो, जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने छोटे बच्चों के हाथ में कोई ट्रॉफी देते हैं और कहते हैं ये लो, तो हम अंग्रेजी में अगर यही कहना हो हमें ये लो, तो हम क्या कहेंगे? टेक इट, टेक इट। ये लो यानी टेक इट, आपने उसके हाथ में ट्रॉफी या बिस्किट कुछ भी दिया और आपने कहा टेक इट और उसने ले लिया। अब ऐसे ही एक सेंटेंस हम यूज करते हैं वहां रख दो, जैसे आपने कोई सामान
उसके हाथ में दी, बच्चे के हाथ में दी, अपने भाई के हाथ में या बहन के हाथ में दी, और आपने कहा कि उसको एक आपने कॉर्नर दिखा दिया, एक जगह दिखा दी और आपने कहा वहां रख दो, तो क्या कहेंगे अंग्रेजी में इसको, क्या कहेंगे? कीप इट देयर, कीप इट देयर, कीप इट देयर, यानी कि आपने जहां उसे कहा रखने के लिए कि वहां रख दो, वहां उसको ले जाना है उस सामान को, और यही बात आपको अंग्रेजी में कहनी है कि वहां रख दो, तो क्या कहेंगे? कीप इट देयर, कीप इट देयर। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है कि आप चाहते हैं कि किसी से कहें कि मेरी मदद करो। जैसे मान लीजिए कि मां खाना बना रही हैं और अपनी बेटे से वो ये कह रही हैं कि मुझे सब्जी काट दो, तो वो ये कह रही हैं कि मेरी मदद करो, वो मदद मांग रही हैं। तो यही बात अगर अंग्रेजी में मम्मी को कहनी हो तो क्या कहेंगी? मेरी मदद करो, हेल्प मी, हेल्प मी, मेरी मदद करो, यानी हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी। और जैसे रात को सारा काम खत्म हो गया, खाना पीना हो गया, और अब मम्मी अपने बच्चे को कह रही हैं सोने के लिए जाओ, सोने के लिए जाओ, तो यही बात अगर उन्हें अंग्रेजी में कहनी हो तो क्या कहेंगी वो? गो टू स्लीप, गो टू स्लीप, सोने के लिए जाओ, यानी गो टू स्लीप। और वो सोने के लिए चला गया और फिर अब सुबह उसको उठाना है, तो मम्मी जाकर के बच्चे को कहती है जग जाओ, जग जाओ। तो यही बात अगर उसे अंग्रेजी में कहनी हो तो क्या कहेंगी? वो कहेंगी वेक अप, वेक अप, वेक अप माने जग जाओ, तो वो ये सुनकर के जग जाएगा। और उसके बाद आपने उससे कहा कि बेटे हाथ धो लो, हाथ धो लो, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम? वॉश हैंड्स, क्योंकि हैंड हमारे पास दो होते हैं, तो वॉश हैंड्स, हाथ धो लो, वॉश हैंड्स, हाथ धो लो को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वॉश हैंड्स। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम हाथ धो लो, ये भी तो हम कहते हैं तुम हाथ धो लो, तो अगर तुम उसमें लगा देना है तो योर लगा दीजिए अंग्रेजी में, वॉश योर हैंड्स, तुम हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। तो ऐसे ही ये बहुत ही आसान है यदि आपने इनको इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस को देख लिया। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जैसे बच्चा तैयार हो गया और सब कुछ करने के बाद आपने कहा कि भाई अब जाओ तुम नहा लो, नहा लो, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टेक बाथ, नहा लो, यानी टेक बाथ, टेक बाथ। और अब उसने नहा भी लिया और अब तैयार होना है उसको, ड्रेस व्रेस पहन करके स्कूल जाना है सपोज कीजिए, तो मम्मी कहती है तैयार हो जाओ, तो तैयार हो जाओ अगर मुझे अंग्रेजी में कहनी हो तो मैं क्या कहूं? गेट रेडी, तैयार हो जाओ यानी गेट रेडी, तैयार हो जाओ यानी गेट रेडी। तो गेट रेडी आपने अगर कह दिया बच्चे को तो वो समझ लेगा कि आपने उसको तैयार होने के लिए कहा है। और उसके बाद आपने उसके हाथ में कुछ दी और उसे पहनने के लिए कहा और आपने हिंदी में कहा ये पहन लो, ये पहन लो, तो यही बात अंग्रेजी में अगर कहनी हो तो वियर इट। जैसे आपने उसको शर्ट दे दिया या बनियान दे दी या फिर आपने पैंट दे दिया, कुछ भी दे दिया और कहा ये पहन लो, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वियर इट, वियर इट, वियर मतलब पहनना, तो वियर इट हो गया। और मान लीजिए कि बच्चे ने कुछ शरारत की और शर्मा रहा है, वो आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा है और आप चाहते हो कि आप उससे ये कहो कि मेरी तरफ देखो, तो आपने बच्चे से कहा मेरी तरफ देखो। अब यही बात अगर आपको अंग्रेजी में कहनी हो उस बच्चे को तो कैसे कहेंगे? लुक एट मी, लुक एट मी, लुक मतलब देखना, तो किसकी तरफ देखना है उसको? मेरी तरफ देखना है, तो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। और अब
मान लीजिए आपने उसे कहना है नाश्ता कर लो, सुबह सुबह जब वो नहा धो के तैयार हो गया और आपने उसे कहा नाश्ता कर लो, तो क्या कहेंगे हम? Have your breakfast. Have your breakfast. Breakfast मतलब नाश्ता होता है, तो have your breakfast, नाश्ता कर लो। और उसके बाद ये लास्ट वर्ड है आज का, खिड़की खोल दो। यानी कि मान लीजिए कि आप लोग घर में बैठे हैं, काफी गर्मी हो रही है और आपने आपको अपने छोटे बहन से कहना है कि बहन खिड़की खोल दो, तो इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे तो कैसे कहेंगे? ओपन द विंडो। खिड़की खोल दो यानी ओपन द विंडो। और अगर थोड़ा प्यार से, थोड़ा रिक्वेस्ट करने के भाव से अगर आपको यह कहना हो कृपया खिड़की खोल दो, तो कृपया को अंग्रेजी में प्लीज बोलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने 16 छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं वो हमने सीखे, और आगे आने वाली वीडियोस में इसी तरह से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को छोटे छोटे सेंटेंस में अंग्रेजी में किस तरह से बोला जा सकता है और किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है ये आप सीखेंगे। तो ऑल द बेस्ट।